और मैं हूं आपके साथ अलका। बिहार का आम बजट वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानमंडल में शेरो शायरी के साथ शुरू की। बतौर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह पहला बजट है। बिहार का बजट पेश करते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा, यह बजट सबके विकास का बजट है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष योजना लाने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने बजट में सात निश्चय योजना के लिए 4671 करोड़ सात निश्चय पार्ट टू के लिए स्वीकृत किए। वहीं विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों का मामला भी उठाया गया। चीनी मिलों को फिर से एक्टिव करने को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। इसके जवाब में गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि सरकार जल्द ही निजी साझेदारी के साथ बंद पड़े चीनी मिलों को शुरू करेगी। वहीं दूसरी ओर बिहार में सरकारी सेवकों को जबरन रिटायरमेंट दिए जाने और रिटायर कर्मियों को संविदा पर नियुक्त किए जाने का मामला भी सदन में उठाया गया। इसके जवाब में बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर कर्मियों को नियुक्त करने की सरकार पुरानी नीति पर काम कर रही है। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए वे ट्रैक्टर से पहुंचे। हालांकि उन्हें विधानसभा में ट्रैक्टर से जाने की अनुमति नहीं मिली। वहीं सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने सदन में एक बार फिर से मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर लीक होने वाला मामला उठाया और सरकार से जवाब की मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा मजाक बनकर रह गई है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। जिस तरह से प्रश्नपत्र लीक करवाया, बिहार में शिक्षा का जो हाल है, जिस तरह से अफसरशाही बढ़ा हुआ है, जिस तरह से प्रश्नपत्र लीक करवाया जा रहा है जानबूझकर, इनके जो चहेते ऑफिसर है आनंद किशोर, इतने दिनों से इतना घोटाला हुआ है शिक्षा विभाग में और जमे हुए हैं एक ही पद पर, अपने ही पद पर, तो उनके जो कार्यकाल है, जो उनका क्रियाकलाप है, जिस तरह से बिहार की। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में सभी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार को भी महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान के आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार तमाम हथकंडे अपना रही है। नए कृषि कानून वापस लिए जाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और उनके साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। इसी दौरान कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने शराबबंदी मामले पर नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए बोला कि सूबे में शराबबंदी पूरी तरह फेल है, साथ ही सरकार को शराबबंदी खत्म करके टैक्स बढ़ाने की सलाह दी। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं गांव में जाती हूँ 6 बजे के बाद। जो स्थिति है महिलाओं के लिए नहीं है, क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। सरकार सर्वे कराए और देखे कि स्थिति क्या है। शराब बिक रही है, शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। आप शराब को सरकारी स्तर पे दुकान खुलवाइए, टैक्स बढ़ाइए, जिससे बिहार का विकास हो सके, बिहार का शिक्षा स्वास्थ्य दुरुस्त हो सके, और वही टैक्स आप घटाइए, पेट्रोल डीजल पे घटाइए, ताकि आम आवाम उससे। AIMIM पार्टी के विधायकों ने भी नीतीश सरकार पर सीमांचल के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्णिया को बिहार की दूसरी राजधानी बनाने की मांग भी की है। सीमांचल बाढ़ से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, पलायन से परेशान है, हमारी सुद्धि कोई नहीं ले रहा है। इसलिए साफ मांग है कि छोटे छोटे राज्यों में भी, उड़ीसा में भी दो जगह राजधानी है, आसाम में भी है, आप जाकर देख लें, कर्नाटका में भी है, तो अगर वहाँ है, और अविभाजित बिहार में रांची भी उपराजधानी थी, तो आज बिहार में सबसे दुर्गामी जो क्षेत्र है, सबसे दुर्गा जो क्षेत्र है। इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 3 फरवरी को मुख्य आरोपी बताते हुए ऋतुराज को सामने पेश किया और हत्या के पीछे रोडरेज की घटना को जिम्मेदार बताया था। और अब उस मामले में पटना के SSP और 3 थानेदारों की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि रूपेश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने पटना के सिविल कोर्ट में SSP उपेंद्र शर्मा के साथ 3 थानेदारों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने इन पुलिस अधिकारियों पर मारपीट, छेड़खानी और अभद्रता करने का आरोप लगाया है।
बोला नहीं नाम मत तुम्हारे आपको याद तो बता दो 90 अभी आपने बोला नहीं याद था सर समझ में नहीं आ रहा कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था नहीं एक्सीडेंट सर आपने बोला कि आपने परिवार राजधानी पटना के बहादुरपुर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सैदपुर छात्रावास और बहादुरपुर इलाके के छात्रों के बीच गोलीबारी हो गई जिसमें एक युवा का घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवा का सैदपुर हॉस्टल का रहने वाला है, उसे गंभीर हालत में पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमुई जिला में 10वीं के परीक्षार्थी ने केंद्राधीक्षक पर जाति सूचक शब्द और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। छात्र ने कहा कि परीक्षा देने के दौरान ध्रुव कुमार पांडे ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। छात्र ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि पांडे अखिलेश्वर हाई स्कूल रतनपुर में पदस्थापित है, इसका व्यवहार शुरू से ही ऐसा है। हल्ला गुल्ला सब विद्यार्थी कर रहा था रूम में और शिक्षक लोग 2-3 बार आया कहने के लिए। अंतिम अंतिम में हम गए तो डांट फटकार किए, धमकाए उन लोगों को कि तुम लोग पैसा नहीं करना चाहिए, असभ्य जैसा तुम लोग व्यवहार कर रहा है। और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमको जो पता चल रहा है कि बोल रहे हैं कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके और पैर से मार मार करके हमको प्रताड़ित किया जा रहा है और जाति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जमुई जिले के झाझा रेफरल हॉस्पिटल परिसर में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि रेफरल अस्पताल झाझा में बांध्याकरण और विकलांग प्रमाण पत्र देने में अस्पताल प्रशासन पर ठगी करने का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कटिहार जिला के पोठिया थाना अंतर्गत ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पूरी घटना कटिहार जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ऑटो और ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पूर्णिया से शादी में बैंड बजाकर लौट रहे 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज पुलिस मामले की जांच कर रही है। टेम्पो पर गया बराती पूर्णिया, लड़का के शादी था, वहाँ से 2 बजे चले तो यहाँ पे आके बकरी में एक्सीडेंट हो गया। 5 आदमी खत्म हो गया, 4 आदमी बांका जिले में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हॉर्स फायरिंग में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में डीजे के धुन पर कुछ युवकों का हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद थाना प्रभारी अरविंद कुमार रानी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई, जहां से वीडियो में देख रहे लोगों में 4 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 1 देसी मस्केट, 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। ये प्रथम दृष्टि लगा कि शायद सरस्वती पूजा का विसर्जन का वीडियो है, जो वीडियो में वायरल वीडियो बताया भी जा रहा था, लेकिन सत्यापन के क्रम में पाया गया कि नहीं, ये सरस्वती पूजा विसर्जन से इसका कोई संबंध नहीं था, बल्कि कुछ अपराधी लोग थे जो उस रात अमरपुर थाना अंतर्गत बलुआ वासुदेवपुर में चांदन नदी के किनारे कुछ अवैध हथियार के साथ। मधुबनी जिले से गोलीबारी की घटना सामने आ रही है, जहां बेलगाम अपराधियों ने देर रात एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब स्वर्ण व्यवसायी अपना दुकान बंद कर स्वर्ण व्यवसायी अपने घर जा रहा था, जिस दौरान अपराधियों ने पीठ में गोली मार दी, जिसके बाद रागिरों ने इसकी सूचना खजौली थाना पुलिस को दी। वहीं पीठ में गोली लगने से व्यवसायी की हालत गंभीर बताई जा रही है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
बाढ़ अनुमंडल के आथमगोला में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिनका उद्घाटन समाजसेवी कर्णवीर सिंह और फलालू मुखिया ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि खेल की शुरुआत से पहले उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए लल्लू मुखिया ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि किसी भी खेल को भावना के अंतर्गत ही खेला जाना चाहिए और खेल के सख्त अनुशासन को भी खिलाड़ियों को पालन करना चाहिए। और किसी तरह के कोई द्वेषा भावना से नहीं खेलना है, प्रेम से खेलना है, भाई की तरह खेलना है। और खेल में अनुशासन डिसिप्लिन बहुत ही वही बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की बात कही है। शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता है तो वो छुपा रहे हैं या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ, उसका क्वेश्चन पेपर। आज भी हमने मुख्यमंत्री को, सरकार के लोगों को सूचित किया कि आज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है।